कक्षा नौवीं के छात्रों, आज मैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा नौवीं का विषय विज्ञान का पेपर जो कि आपका 20 सितंबर को होना है 100% रियल पेपर लेकर आया हूं। यही पेपर आपका 20 सितंबर को देखने को मिलेगा विज्ञान का। इसमें आपका अंक रहेगा वो रहेगा आपका 75 का अंकों का। समय इसमें आपका निर्धारित रहेगा 3 घंटों का। ये आपका पक्का कक्षा नौवीं का विज्ञान का रियल पेपर है, 100% यही पेपर देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। ये आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, 3 घंटे का इसमें समय रहेगा, 75 अंक इसमें निर्धारित रहेंगे। निर्देश सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और 1 से 4 तक तीसरी एक एक अंक के आवंटित क्वेश्चन है और 5 से 16 तक 2-2 अंक के और इसमें 17 से 19 तक 3 अंक के और 20 से 22 तक 4 अंक के आपके प्रश्न के अंक आपको मिलेंगे। तो ये आपका रियल पेपर है 19-20 सितंबर का। दोस्तों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपको नोट कर लेना है, इस प्रकार के इसके निर्देश रहेंगे। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको विकल्पों के आंसर देने हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो इसको आप रट लें। नेक्स्ट है इसका, एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। ऑप्शन ए कोशिका वृद्धि, ऑप्शन बा कोशिका विकास, ऑप्शन सा कोशिका परिवर्तन, ऑप्शन दा कोशिका विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दा कोशिका विभाजन। तीसरा इसका, मोमबत्ती का जलना है। ऑप्शन आ केवल भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बा केवल रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सा आकारीय परिवर्तन, ऑप्शन दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरे का, ऑप्शन बा केवल रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट इसका, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। ऑप्शन ए अवेग, ऑप्शन बा चाल, ऑप्शन सा त्वरण, ऑप्शन द विस्थापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा त्वरण। लास्ट इसका 5वां, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुता 2 होती है। ऑप्शन आ आर्गन एवं हीलियम, ऑप्शन बा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, ऑप्शन सा फास्फोरस, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट, एक तत्व के समसानिक में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा न्यूटन की अलग अलग संख्या। तो 5वां का मिला नहीं है, जैसे ही मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसका प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको 6 रिक्त स्थान मिलेंगे, उनकी पूर्ति करना है। पहला, बर्फ का गलनांक खाली स्थान के होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 273। दूसरा इसका, बर्फ जल तथा जल वाष्प के खाली स्थान गुण समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से रट लें। नेक्स्ट है इसका, समसूत्री विभाजन खालिस्तान कोशिका में होता है। जी हाँ दोस्तों, समसूत्री विभाजन खालिस्तान कोशिका में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कायिक। नेक्स्ट है इसका, गति की मापन इकाई खालिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, चौथा है इसका, गति की मापन इकाई खालिस्तान है। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS/2। नेक्स्ट है इसका, निश्चित आवेश युक्त परमाणु का समूह खालिस्तान कहलाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुपद, बहु परमाणु माफ कीजिए आय आयन। तो इसको भी आप देख लीजिए। लास्ट इसका, फ्लोम ऊतक पंक्तियों द्वारा निर्मित भोजन का खालिस्तान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका लास्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवहन। तो ये आपने कर लिया। ये था आपका प्रश्न क्रमांक 2 का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ये भी आपकी 6 सही जोड़ी हैं, प्रत्येक पर एक एक अंक आपको मिलेगा। 100% रियल पेपर है। पहले का है इसका डी रक्त, दूसरे का है फ्लोएम, तीसरे का है इसका न्यूरॉन, चौथे का है इसका प्रकाश संश्लेषण, 5वें का है इसका प्रोटीन और 6वां लास्ट का है इसका धातु। तो ये थी आपकी सही जोड़ी, इसको भी अच्छी तरीके से आप रट लीजिए। यही पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको 20 तारीख को, कक्षा नौवीं का पेपर है विज्ञान का। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 300 के तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? तो ये आपका एक एक अंक का होगा, इसमें 27। अब नेक्स्ट दूसरा, वह बिलियन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असहत, असहत विलियम। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो जो कोशिका उस जो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है दोस्तों स्लाइडेन। तो अच्छे से रट लीजिए, स्लाइडेन खान। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे की तरफ। इसमें आपको दिया गया लाल रुईधर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। नेक्स्ट इसका, एक गाड़ी का ऑडोमीटर कितना किसका मापन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चली
मई दूरी। नेक्स्ट, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 6022 10/2/3। तो ये थे आपके एक शब्द एक वाक्य। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित, तो इसका पहले का हो जाएगा राइट। दूसरा, मिश्रण में एक अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो ये भी राइट। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है, तो ये गलत है आपका। वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो ये जो आपका हो जाएगा कैल्शियम का परमाणु, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट, रक्त एवं प्लाज्मा का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको पहला दूसरा सही। 6, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है अथवा उत्पादन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें गुण पाया जाता है, ये आपका 2 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 7, परमाणु क्या समझते हैं? पर बहु परमाणु का आयन होते हैं, उदाहरण दीजिए, ये 2 नंबर का है। 8, गर्मियों में किस तरह कपड़े पहनने चाहिए और मिश्र धातु किसे कहते हैं? 9, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर तत्व, यौगिक में क्या अंतर है? 9 और 10वां है आपका कोलाइडी विलयन में 2 गुण सांद्रता की परिभाषा कीजिए, यह आपका 10वां 11वां है। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए अथवा श्वेत रुईदर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है? 12, एक समान गति किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र मात्रक बताइए। 13, गति का प्रथम नियम लिखिए, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। 14, कार्बन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन परिवर्तन लिखिए अथवा फेनिकाइन कोल्डाइम में अंतर लिखिए, 2, ये भी 2 नंबर का। 15वां, गुरु तत्व घर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए, और ये 15वां हो जाएगा आपका, और ये 16वां कुछ इस प्रकार से है। और प्रश्न क्रमांक 17 और प्रश्न क्रमांक 18, और बाकी का जो रह गया पेपर वो अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में।